हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 3 से एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलती से मुझसे स्किप हो गया था, तो मैं आज आपको इसे समझा रही हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड क्वेश्चन था, 1/1 प्लस एक्स की पावर एम माइनस एन प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। आपको इन दोनों को सॉल्व करके 1 के इक्वल, तो इस तरह देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, 1/1 प्लस यहाँ पर x की पावर m माइनस n को अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो इसे हम a की पावर m माइनस n लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर x की पावर m माइनस n लिखा गया, तो हमें इस फॉर्म से इसे इस फॉर्म में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर x की पावर m अपॉन x की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? इस तरह से मैंने इसे लिखा, x की पावर m अपॉन x की पावर n प्लस 1/1 प्लस x की पावर n अपॉन x की पावर n, इसे भी एज इट इज लिखा। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे? इसके बाद अगर ये रैशनल नंबर्स में है और यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस है तो हमें इसे एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर n आता है एलसीएम, n मल्टीप्लाई 1 से हम करेंगे तो x की पावर n प्लस x की पावर m, ऊपर 1 आएगा आपके, प्लस 1/1 यहाँ पर फिर हो जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n अपॉन x की पावर m, x की पावर m यहाँ पर आया एलसीएम इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास इतना बड़ा नंबर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसे रेसिप्रोकल करना होगा, तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम जो ये वाला नंबर है यहाँ पर 1/1 इंटू x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m, ये हमने चेंज किया, हमने ये जो नीचे वाला नंबर है इसे सीधे सीधे उल्टा कर दिया, यहाँ पर 1/1 ले लिया इंटू इसे ऊपर और इसे हम नीचे रखेंगे, प्लस 1/1 इंटू x की पावर m अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1। सेम इस तरफ भी हम करेंगे, अब इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास फिर से दो रैशनल नंबर्स हैं और इन दोनों को प्लस करना है हमें, तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है, देखिए यहाँ पर x की पावर n और x की पावर m दोनों में ही सेम है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x की पावर n प्लस x की पावर n, ये आया एलसीएम। अब ऊपर के नंबर्स ये तो सेम है, तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल, बचा क्या, x की पावर n प्लस यहाँ पर से ये हुआ कैंसिल इसके साथ, तो बचा x की पावर m। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है x की पावर n प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m, दोनों तरफ सेम नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो कि हो जाएंगे आपस में कैंसिल, सो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।